नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 11th मैथ का एक्सरसाइज 15D का क्वेश्चन नंबर 18 से देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 तक देख लेते थे, आप लोग नहीं देखे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले उस वीडियो को जाकर देखिए, तब एक्सरसाइज आप लोगों को अच्छा से समझ आएगा। इसमें कहा कि प्रूव दैट 2 sin 22√2 into cos 22√2 इक्वल टू 1/√2। ये हम लोग को प्रूफ करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे LHS। देखिए LHS में दिया गया 2 sin 22√1/2 इंटू cos 22√1/2। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया, सबसे पहले हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 2 sin 22√2 44+1, तो ये हो जाएगा 45√2 इंटू ये हो जाएगा cos 45√2। आगे देखिए यहाँ पे, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि ये 2 sin 45√2 ये एंगल है तो समझिए कि थीटा है, यहाँ पर ये थीटा हो गया, तो ये 2 sin θ इंटू कॉस थीटा। दोस्तों वो जानते हैं कि 2 sin θ इंटू कॉस थीटा ये होता है हम लोग को sin 2θ, तो हो जाएगा sin 2 इंटू θ। थीटा का वैल्यू कितना, 45√2। ये 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा sin 45√। अब दोस्तों हम जानते हैं sin 45√ का वैल्यू कितना होता है, 1/√2, ये हो गया RHS। अब यहाँ पर लिखेंगे सिंस LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। आई होप दोस्तों इसका फर्स्ट पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका सेकेंड पार्ट देखिए, इसका सेकेंड पार्ट हम लोग कह रहे हैं कि 2 cos²√15 -1√3/2। यहाँ पर हम LHS आ जाएंगे, यह है 2 cos²√15 -1। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ये 2 cos², ये 15 क्या एंगल है, इसको समझिए थीटा है, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, 2 cos²θ। देखिए 2 cos²θ -1, दोस्तों आप लोग पता होगा कि 2 cos²θ -1 किसका फॉर्मूला होता है, cos²θ का। याद रखिएगा cos²θ इक्वल टू क्या होता है, एक फॉर्मूला 2 cos²θ -1 भी होता है, ठीक है। cos²θ का 4 फॉर्मूला होता है, एक होता है 2 cos²θ -1, सेकंड होता है 1 − 2 sin²θ, थर्ड होता है 1 − 10√θ 1 + 10√θ, और फोर्थ होता है cos²θ -sin²θ। आगे देखिए यहाँ पे, तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, देखिए 2 cos²θ -1, इसका रिजल्ट हो जाएगा cos²θ, तो हो जाएगा cos 2 × θ। थीटा का वैल्यू कितना, 15 डिग्री, तो हो जाएगा cos 2 × 15 कितना होगा, 30 डिग्री। और दोस्तों जानते हैं कि cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है, तो ये हो गया RHS के इक्वल। अब यहाँ पर लिख लेंगे सिंस LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। आई होप दोस्तों इसका सेकेंड पार्ट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका थर्ड पार्ट देखिए, इसका थर्ड पार्ट हम लोगों को कह रहा है कि 8 cos³√20 -6 cos²√20 इक्वल टू 1 हम लोगों को प्रूफ करना था। यहाँ पर LHS आते हैं, यहाँ पे 8 cos³√20 -6 cos²√20। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए इसमें और इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से कॉमन ले लीजिए, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा 4 cos³√20 -2, यहाँ से कॉमन ले बचा 3 cos²√20। अब आगे देखिए, तो जगह 2, देखिए 4 यहाँ पे cos³√20 आप ऐसे भी लिख सकते हैं, cos²√20 का होल क्यूब -3 cos²√20। आगे देखिए, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि हम लोग देखिए यहाँ पे 4 cos, देखिए ये 20 डिग्री क्या है, यहाँ पे थीटा है, देखिए यहाँ पे थीटा समझिए, ये थीटा समझिए यहाँ पे, तो 4 cos θ का क्यूब कितना हो जाएगा, देखिए 4 cos ये हो जाएगा √3, या यहाँ भी ऐसे ही समझिए यहाँ पे, देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए 2 इसको ये रख देते हैं, 4 cos³√20 -3 cos²√20। अब दोस्तों यहाँ पर समझिए कि 20 डिग्री क्या है, थीटा है, ये एंगल है। अब यहाँ पर देखिए क्या फॉर्मूला बन रहा है, 4 cos³θ -3 cos²θ। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि cos³θ का फॉर्मूला होता है 4 cos³θ -3 cos
थीटा। ओके अब यहाँ पर देखिए टू हो जाएगा, देखिए यहाँ पर फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा, यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा कॉस थ्री थीटा, तो हो जाएगा कॉस थ्री इंटू थीटा, थीटा का वैल्यू कितना 20 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व किए तो टू इंटू ये हो जाएगा कॉस 60 डिग्री, ये टू इंटू कॉस 60 डिग्री वैल्यू 1/2, टू से टू कैंसिल हो जाएगा तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 1। ये किसके इक्वल हो गया, आरएचएस के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे सिंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हैंस प्रूव्ड। ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा थर्ड पार्ट का। आई होप दोस्तों थर्ड पार्ट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सिर्फ इसीलिए फॉर्मूला याद रखना था कि कॉस थ्री थीटा इक्वल टू होता है फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा। अब इसका फोर्थ पार्ट देखिए, देखिए इसका फोर्थ पार्ट हम लोगों का है कि 3 sin 40 degree माइनस 4 sin cube 40 degree इक्वल टू रूट 3/2। तो हम लोग एल एच एस से आते हैं, यह 3 sin 40 degree माइनस 4 sin cube 40 degree। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 40 डिग्री क्या है, एंगल है, इसको लेट कर लीजिए थीटा। तो यहाँ पर देखिए कौन सा फॉर्मूला बना, 3 sin theta माइनस 4 sin cube theta। दोस्तों हम जानते हैं कि साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 sin theta माइनस 4 sin cube theta। याद रखिएगा कि साइन 3 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 3 sin theta माइनस 4 sin cube theta होता है। देखिए इसका रिजल्ट हो जाएगा हम लोगों को साइन 3 थीटा, तो 3 into theta, थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा का वैल्यू है 40 डिग्री। अब आगे देखिए तो जगह साइन ये 120 डिग्री, तो आप साइन 120 डिग्री कितना ले सकते हैं, साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, क्योंकि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो जगह साइन देखिए साइन 180 माइनस ये थीटा, देखिए यहाँ लिख देते हैं सिंस कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा तो क्या होता है, साइन थीटा। इसका रिजल्ट कितना है, साइन 180 माइनस थीटा, थीटा कितना 60 डिग्री, इसका रिजल्ट है साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, रूट 3/2। ये हो जाएगा आरएचएस। यहाँ दोस्तों फिर समझिए कि साइन 120 डिग्री का वैल्यू हमें निकालना था, तो हम इसको कैसे लिखे, साइन 180 में से 60 माइनस करेंगे तो 120 डिग्री आ जाएगा। जानते हैं साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, थीटा जब कितना 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है कितना, रूट 3/2 होता है। अब यहाँ पर लिखेंगे सिंस एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हैंस प्रूव्ड। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का सारा पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरिए पूछ भी सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आप लोग पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों कमेंट करो जो बताइए कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।